हमारे देश की शासन लोगों के हित के लिए परियोजना बनाती है, लेकिन असल में लोगों के विस्थापन के बाद का जीवन क्या होता है तथा विस्थापन से पहले का जीवन क्या होता है, इसका आकलन नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र की सीमा पर लगा हुआ गोमाई डैम परियोजना, जिसमें कि 4 गांव डूब प्रभावित थे, मालकातर, हरनिया, पाडलिया तथा निहालांबा, इन 4 गांवों के लोगों को गोमाई डैम से प्रभावित है, लेकिन उनको जमीन का सही रूप में जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला। खेत के मुआवजा नहीं दिया, खेत में मकान है वो मकान भी तोड़ा रहा, और ये लाइन आ रही, मैंने मकान हमारा 20 में है, धरण में जा रहा, वो बोले मुआवजा नहीं दे रहे ना, तुम्हारा मकान तोड़ो, बोले तो हम कहाँ मकान तोड़ के ले जाएंगे। अभी जो मार्च में होली बंगरिया आ गया, तो जैसे हमारे फल आम के फल है, कम से कम 30-35 फलदार झाड़ थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फलदार झाड़ थे, उसमें हमारे को सरकार मुआवजा तो बिल्कुल कमी दी। 15-20 क्विंटल माल निकलता था, वो झाड़ का हमारे को 200 रुपये मुआवजा दिया था सरकार ने। ये हमारे मकान ये जो साहब ने जबरदस्ती तोड़वा रहे थे, और इसकी इसमें वजह से और कल परसों नोटिस भी दिए थे, नोटिस इसके वजह से ये मकान तोड़ने चालू कर दिए लोगों ने, क्योंकि इंडिया अनहट के लिए।